नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत में 17 तारीख से स्पेल आने वाला उसके संबंधित है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि 17 से 20 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं दौरान अच्छी खासी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। भारी हिमपात और भारी वर्षा भी इसी दौरान होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो उनसे सटे हुए मैदानी क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत के जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं वहाँ पर भी 19 से लेकर के 21 फरवरी के बीच में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ से कई स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। ये हमारा आज का हाईलाइट है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वेदर की बात करें जो हमें प्राप्त हुआ उसके हिसाब से हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है जो पूर्वी भारत है और उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत है जिसमें मुख्य रूप से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब पॉकेट्स में जो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, बिहार में भी हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। और इन्हीं सभी पॉकेट्स में जिसमें नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड में रांची स्टेशन वहाँ पर हेल स्टॉर्म भी कल शाम को देखने को मिले हैं। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घना कोहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला, जहाँ पर विजिबिलिटी कुछ एक स्थानों पर 50 से भी कम दर्ज की गई। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो पारादीप, चांदबाली, इन सब पॉकेट्स में भुवनेश्वर में भी आज 50 से 100 मीटर तक की विजिबिलिटी सुबह के टाइम पर देखने को मिली है। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो रायसेन, भोपाल आदि में भी 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज जो एयरपोर्ट थे, चाहे वो कानपुर का चकेरी हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, बहराइच हो, गोरख, इन सब पॉकेट्स में भी 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी दर्ज की गई। अगर हम बिहार की बात करें तो पटना, भागलपुर में भी 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी खजुराहो में भी 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी दर्ज की गई। कुल मिला के ये जो हाईलाइट किया गया सेक्शन यहाँ पर आज सुबह फॉग देखने को मिला, कोहरा देखने को मिला। अगर हम निम्न तापमान की बात करें, अभी भी उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर निम्न तापमान 8 से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं जो कि अपनी सामान्य स्थिति में बने हुए। कुछ एक पॉकेट्स थे जहाँ पर सामान्य से कम थे जिसमें दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कद्दोकप पॉकेट्स है। अगर हम बाकी के क्षेत्रों की बात करें जिसमें मध्य का भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसके अलावा जो पेनिनसुलर महाराष्ट्र का रीजन है, इसके अलावा जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय जो भारत जिसमें केरला, कर्नाटक आदि शामिल हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान या तो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा जो अधिक निम्न तापमान सामान्य या तो सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अभी 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में दर्ज किए जा रहे हैं जो कि अपनी सामान्य स्थिति में बने हुए हैं। पूरे ही भारत में या तो टेम्परेचर अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम तापमान अपने सामान्य से ज़्यादा स्थिति में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास दो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। मुख्य रूप से पहला हमारा वेस्टर्ली में एक ट्रफ है मध्य क्षोभ मंडल में जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन है जो कि उत्तरी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ निम्न क्षोभ मंडल में। इन दोनों के प्रभाव में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसमें खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय आदि शामिल है वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में। इसके अलावा वहाँ पर ओलावृष्टि भी खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में आने वाले 24 घंटे में दर्ज किए जाने की संभावना बनी हुई है। दूसरा सिस्टम हमारा मुख्य रूप से एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य भारत है जिसमें मध्य छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में निम्न क्षोभ मंडल में है और इसके अलावा एक ट्रफ लाइन या बिन डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है जो कि उत्तरी इंटीर कर्नाटका से लेकर के मध्य जो भारत है, मध्य भाग जो है छत्तीसगढ़ वहाँ तक चल रही है निम्न क्षोभ मंडल में। इन दोनों के प्रभाव में इसके अलावा एंटी साइक्लोन अभी उत्तरी बंगाल की खाड़ी, उसके तटीय उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है। इसकी वजह से मॉइस्चर लगातार जो है पूर्वी मध्य भारत और पूर्वी भारत में जा रहा है। इसके अलावा बिन का कन्वर्जेंस जोन भी जो है पूर्वी भारत के आसपास बना हुआ है निम्न क्षोभ मंडल में। इन सब के प्रभाव में जो आज पूर्वी भारत वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और उससे जो सटा हुआ मध्य का भारत जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं वहाँ पर वर्षा बनी रहेगी कुछ एक पॉकेट्स में। इसके अलावा पूर्वी भारत में ही और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और इक्का-दुक्का पॉकेट्स में ओलावृष्टि भी होने की संभावना, जिसके मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र वहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी ओलावृष्टि होने की संभावना आने वाले 24 घंटे में जो कि आगे हम जिक्र करने वाले हैं। इसी क्रम में आप देख लीजिए, ओलावृष्टि हमने सिंबल लगाया उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के लिए। इसके अलावा हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में भी होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और सिक्किम क्षेत्र में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ होने की संभावना रहेगी। अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी
जो है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी एक आध पॉकेट्स में ठंड स्टॉर्म की एक्टिविटी और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना आज रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो कल इसमें कमी आएगी और ड्राई वेदर ज़्यादातर मध्य और पूर्वी भारत में बना रहेगा कल से आने वाले 4-5 दिनों तक। इसके बाद अगर हम बादल की बात करें तो 16 तारीख को ठंड स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती विंड और हेल स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल की कोई वार्निंग नहीं है 16 तारीख को। हालांकि फॉग की बात करें तो कल जो है फॉग 16 तारीख को पूर्वी भारत में फॉग देखने को मिल सकता है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि शामिल हैं। वहाँ फॉग की स्थिति हल्के से मध्यम स्तर का फॉग और कुछ एक पॉकेट्स में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। 17 तारीख की सुबह को घना कोहरा बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि बाकी कोई वार्निंग 16 तारीख से लेकर के 17 तारीख में कोई नहीं है। 18 तारीख को वार्निंग हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल की वार्निंग जो है, हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल और ओलावृष्टि की वार्निंग जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए लगा के रखी। यानी 17 तारीख से जम्मू कश्मीर में वर्षा का दौर चालू होगा और जो कि 18 तारीख से विस्तृत हो जाएगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसकी वजह से 18 तारीख को इंटेंस एक्टिविटी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने की संभावना है, काफ़ी अच्छी हिमपात होने की संभावना और ओलावृष्टि भी 18 तारीख को इन्हीं सभी पॉकेट्स में हो सकती है, इसलिए ऑरेंज कलर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए। 19 तारीख को यह एक्टिविटी और विस्तृत हो जाएगी, काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख का क्षेत्र है जहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर और भारी वर्षा और भारी हिमपात जो है कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो पंजाब और हरियाणा में भी ओलावृष्टि और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर होने की संभावना ठंडे स्टॉर्म लाइटनिंग के साथ रहेगी। गस्ती विंड भी 19 तारीख को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा जो राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहां पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में और ठंडे स्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधियाँ 19 तारीख को देख सकती हैं। अगर कलर के हिसाब से देखें तो 18 तारीख को ऑरेंज कलर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए और 19 तारीख को ऑरेंज कलर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के लिए है। येलो कलर 19 तारीख को जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ का येलो कलर अभी दिया है। इसको हम लगातार इसको अपडेट करेंगे, इसको हम दिनांक के हिसाब से इसको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारी इस वीडियो को देखें, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारी अगले 5 दिन की वार्निंग है। अगर हम वर्षा का विस्तार देखें कि किन किन क्षेत्रों में आज वर्षा रहेगी तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ठंडर स्टॉर्म लाइटिंग गस्ती विंड और हिल स्टॉर्म के साथ इक्का दुक्का पॉकेट छत्तीसगढ़, नॉर्थ इंडियन उड़ीसा और झारखंड में होने की संभावना रहेगी। गंगे, पश्चिम बंगाल में भी हिल स्टॉर्म जैसे कि हमने बताया हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज वर्षा का दौर देखा जा सकेगा। इसके बाद कल से जैसे कि हमने बताया ये जो पूर्वी भारत, पूरा ही भारत में कहीं पर भी कोई वर्षा का प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है, इसलिए शुष्क वेदर रहेगा। हालांकि अंडमान में और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वहाँ पर हल्की वर्षा बनी रहेगी 16 तारीख के। उसके बाद 17 तारीख से वर्षा जैसे हम बता रहे थे स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और इसके बाद 18 को इसका प्रमाण बढ़ेगा और ये पूरे ही पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख आदि शामिल, वहाँ पर कुछ से कई स्थानों पर और ज़्यादातर स्थानों में जम्मू कश्मीर में और पंजाब में वर्षा का दौर स्टार्ट होगा 18 तारीख से, और पश्चिमी राजस्थान में भी 18 से वर्षा देखी जा सकेगी। 19 तारीख को एक्टिविटी पीक पे पहुंच जाएगी, इसलिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ज़्यादातर स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी, और जो उससे सटे हुए क्षेत्र हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ से कुछ से कई स्थानों पर और राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक पॉकेट्स में वर्षा देखने को मिल सकेगी, और पूर्वोत्तर के राज्यों में और सिक्किम और उसके आसपास के जो पूर्वोत्तर के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है वहाँ पर भी हल्के स्तर की वर्षा चारों ही पाँचों दिन चलती रहेगी। अंडमान में भी आने वाले 4 से 5 दिनों तक वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हम इसको समराइज करें तो हम बोल सकते हैं कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 17 तारीख से वर्षा और हिमपात का दौर चालू हुआ जो कि 20 तारीख तक बना रहेगा, और उसके जो आसपास के मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर 19 से लेकर के 21 के बीच में वर्षा देखी जा सकेगी। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 18 तारीख से चालू होने की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आ जाएंगे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।